ठीक है वैसे आवाज नहीं आ रही है बराबर Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. देखिए भाई साहब, ये सांसद सेवा केंद्र के अंदर हर सोमवार को जन सुनवाइयाँ होती है। कई तरह की समस्याएं सामने आती है। वाकई में कई समस्या तो ऐसी है कि वो तुरंत उसका निस्तारण होना चाहिए। दुर्भाग्य से अब भोली वाली जनता है, कार्यकर्ता वो समझ नहीं पाते हैं, चाहे कर्मचारी या अधिकारी उनको टरकाते रहते हैं, परंतु जो विषय यहाँ आता है उस विषय को हम तुरंत, ऐसे नहीं है वो आया है और फिर दोबारा वो आए। हमारा एक उद्देश्य रहता है कि वो ओ भैया ओ एक, तो हम ये चाहते हैं। तो कई समस्याएं जो यहाँ आ रही है, हम चाहते हैं उन समस्या का निराकरण हो। जनता बेवजह रोजाने चक्कर नहीं काटे, किराया भाड़ा लगा के बार बार नहीं आए। और हमारा यहाँ जन सुनवाई का हेतु यही है कि यहाँ जिला कलेक्टर परिसर में यहाँ सारे अधिकारी यहाँ रहते हैं, जो काम फ़ोन से हो सकता है हाथों हाथ हम उनको अधिकारी को संबंधित अधिकारी को फ़ोन कर देते हैं और उस व्यक्ति को हम भेज देते हैं, या नहीं तो जो उनका एप्लीकेशन आती है उस एप्लीकेशन पे हम नोटशीट लगा के हम भेज देते हैं ताकि उनके काम का निराकरण हो जाए। जैसे अभी आया ये थैलेसीमिया कई है, आज ब्लड की बहुत बड़ी बच्चों में कईयों में कमी है, तो एक ये एजेंसी है जो ये काम करती है। हाथों हाथ उन्होंने कहा भाई एमपी फंड, मैंने कहा इससे बढ़िया क्या काम हो सकता। अभी दिव्यांग आए, मैं चाहता हूँ जितने भी लोकसभा क्षेत्र में जो दिव्यांग है, जो पैरों से चल नहीं सकते हैं, उनको स्कूटी दी जाए ताकि वो आत्मनिर्भर बने, खुद स्वावलंबी बने, परिवार घर पे बोझ नहीं बने और वो खुद अपना कोई ना कोई ऐसा कार्य करे जिससे उनका गुजारा हो सके। इस तरह की कई समस्याएं आई है, जैसे अभी वहाँ अजमेर अजय नगर में नाले का है समस्या आई है, कई तरह की समस्या आई है। एक समस्या आई है जो 300 खातेदार हैं, ये बिहार तहसील के अंदर है, तो दो खातेदार तो कास्त कर रहे हैं पर एक कास्तकार को कास्त नहीं करने दे रहे हैं, तो वास्तव में नाइंसाफी है। जब छः खातेदार तीन हैं, दो जो खेती कर रहे हैं तो तीसरे को खेती करनी चाहिए। संबंधित अभी एसडीओ को मैंने फ़ोन किया है और मैं चाहता हूँ कि ये जो भी समस्या है उन समस्या का निराकरण हो। बाकी जो भी ऐसी आवश्यक कोई समस्या है, जरूरी है, जिन समस्याओं का निदान हम कर सकते हैं उनको हम कराने की कोशिश करते हैं। देखिए रूपनगढ़ वाला मामला दुर्भाग्य है, ये इस तरह का वाक्य चाहे कहीं भी हो, कहीं ना कहीं कमी तो रही है, खामी रही है। बच्चा अंदर रह जाना और उसकी लोक लगा देना, मान लो वो तो पता लग गया, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। अब मैं ये नहीं कहूँगा उसमें कसूरवार कौन है, बाकी कहीं ना कहीं खामी तो ही है कि इतने ताबड़ तोड़ा कि ताला लगा रहे हैं और बच्चे को अंदर ही छोड़ रहे हैं। और जो मैंने अखबार के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से सुना है कि माँ बाप कह रहे हैं कि मेरी बच्ची अंदर है और वो सुन नहीं रहे, तो इस तरह का ये जो कार्य है ये अच्छा नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और चाहे प्रशासन हो चाहे कोई भी हो व्यक्ति, ध्यान रखना चाहिए। इतना नहीं है कि कोई अधिकार मिल गया तो उसका बेजा फायदा उठाए। मैं मानता हूँ कि ये काम अच्छा नहीं किया उन्होंने और उसका प्रिंसिपल मिला ही है। किसकी गलती मानते पूरा घटनाक्रम में? अब देखो घटनाक्रम तो मैं तो वहाँ था नहीं, मैं तो था नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसमें किसका दोष है मैं ये नहीं कह सकता हूँ, पर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि बच्चे अंदर रह जाना और लोग लगा देना, ये आखिर ना सब्जी का काम है। अब इसमें कौन दोषी है ये भी नहीं कह सकते।